हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इसमें हम लोग वीडियो के लिए मॉक टेस्ट नंबर 19 करेंगे। इसमें जीके क्वेश्चंस देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स के। आप एंड भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए थे मेरे आंसर बताने से पहले। हालांकि मैं आंसर काफ़ी जल्दी बोलूँगा, तो आप चाहें तो वीडियो को स्लो कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो आ जाए जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हम लोग अपलोड करते रहते हैं। उसके अलावा पेड ग्रुप भी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को फोकस करके है 2019 के लिए, और यूपी पीसीएस 2018 के लिए भी ये चल रहा है। लगातार ज्ञान सर जिस पर लगे हुए हैं, आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जा रही है। इसमें ऐसे हिंदी और जीएस के चारों पेपर्स की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा राज्य जो है पूर्व उत्तर राज्य जो है सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। सेवन सिस्टर्स में मेघालय आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा भी आता है, ठीक है, इसमें आपका मणिपुर भी आ जाता है और आपका मिजोरम भी आ जाता है इसमें, और असम और नागालैंड भी आ जाता है। तो इनकी कैपिटल्स और इनसे कभी कभी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है, ये पश्चिम बंगाल का भी पार्ट नहीं है सेवन सिस्टर्स का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है मैराडोना किस खेल से संबंधित है। इस तरह के क्लीशी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए यह है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के हैं लियोनल मेसी भी। लियोनल मेसी को इस साल एक अवार्ड मिला है 2018 में। 2018 में वर्ष 2016 से 17 के बीच इनको अवार्ड मिला है गोल्डन शू का। गोल्डन शू का अवार्ड लगातार 5वीं बार इन्होंने जीता था, ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा जा सकता है। गोल्डन शू अवार्ड 2018 किसको मिला है? लियोनल मेसी को। अर्जेंटीना के हैं और ये ला लिगा से भी खेलते हैं बार्सिलोना के लिए, क्लब के लिए, और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम में भी खेलते हैं। G7 शिखर में सम्मिलित कितने हैं, कितने देश हैं? ये आपके ऑप्शन नंबर डी के देश हैं। इसमें USA है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली है और जापान है। तो ये हो गए G7 कंट्रीज़। अगर आपसे पूछे सम्मिट के बारे में, G7 सम्मिट कहाँ पर हुई है लेटेस्ट? G7 सम्मिट इस साल हुई है 2018 की क्यूबेक में, क्यूबेक कनाडा में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि अगली कहाँ पर होनी है 2019 की G7 सम्मिट कहाँ पर होगी, ये होगी फ्रांस में। 2019 की सबमिट कहाँ पर होगी? बियारेट्स धाम की जगह पर होगी, जो कि कहाँ पर है? फ्रांस में। एक गैर सदस्य के रूप में सदन के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति तो लेते ही हैं यहाँ पर, ये तो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, आरएस राज्यसभा के मुख्य न्यायाधीश ले सकते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी ले सकते हैं, लेकिन गैर सदस्य के रूप में एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन लेगा? ये होंगे महान्यायवादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सदस्य नहीं है ना, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। कार्रवाई में कौन भाग लेगा नॉन सदस्य? महान्यायवादी। हमारे मुख्य न्यायाधीश इस साल नियुक्त हुए, उनका नाम है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई हमारे 46वें CJI हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी हाल में बने, एक वीक पहले ये बने हैं श्री सुनील अरोड़ा। श्री सुनील अरोड़ा पहले ये इलेक्शन कमिश्नर थे, अब बन गए हैं CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। महान्यायवादी कौन है ये आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित है, किसके पास है? ये शक्ति है सदन के पास, संसद के पास है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास, ऑप्शन नंबर ए। ये लोकसभा को नहीं है, राजनीतिक दलों को नहीं है, केंद्र सरकार को भी नहीं, ये है सदन को। उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? की जा रही है राजधानी लखनऊ में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस लिए पारित हुआ था, किससे संबंधित था? ये वनों के काटने, डिफोरेस्टेशन से संबंधित है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन के लिए पारित हुआ था। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? ये किया जा सकता है रेन के द्वारा, बी रेन। चौथी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड में हुई थी। और हमारी तरफ से उद्घाटन किसने करा था? हमारे आयुष मिनिस्टर हैं जो इस समय, श्री श्रीपद यसो नाइक जिनका नाम है, इन्होंने उद्घाटन किया था इसका। यह हुई कब थी? अगस्त 2018 के करीब, अगस्त 2018। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जीवीय अनुक्रमण, ऑप्शन नंबर बी। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल हुए थे गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली श्रेयसी सिंह है, ये किस खेल से संबंधित है? इस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है, ये संबंधित है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर ए
निशानेबाजी, निशानेबाजी में ही राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पदक निकाले गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें 16 मेडल कुल मिला करके हमने निकाले थे शूटिंग में, जो सबसे ज़्यादा थे। और टोटल मेडल हमारे कितने थे? टोटल मेडल थे 66, याद करना आसान है, 26 गोल्ड ले लीजिए और बाकी 20 ब्रॉन्ज सिल्वर, ठीक है। तो ये मेडल टैली हो गई। फ्लैग बीरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन थी? ये थी हमारी पीवी सिंधु। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन बनी थी? ये रही थी एमसी मैरीकॉम। 2018 को भारत में प्रचालित पेमेंट बैंकों की संख्या कितनी हो गई थी? ये हो गई थी 6। हमारा 6 पेमेंट बैंक कौन था? ये था जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट एंड बैंक। पेमेंट बैंक के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, आईपीपीबी के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ यहाँ पर प्रोविजन ध्यान में रख सकते हैं, कुछ फैक्ट, जैसे कि सुरेश शेट्टी सीईओ हैं इसके। पेमेंट बैंक कितनी राशि स्वीकार कर सकते हैं? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से अधिक नहीं कर सकते हैं। ना एटीएम जारी कर सकते हैं, ना कोई लोन दे सकते हैं, ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। हालांकि आईपीबी में एक फीचर यहाँ पर गिवन है, वो है एक यूनिक फीचर जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूआर कार्ड है ये। इसमें क्या है कि आपको बिना अपना अकाउंट नंबर, बिना कोई पिन याद रखे, बिना ट्रांजैक्शन करने की सुविधा अपने घर पर उपलब्ध होती है। अमित पंघाल एशियाई गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक जीते थे, वो किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? अमित पंघाल यहाँ पर बॉक्सर हैं, ऑप्शन नंबर बी बॉक्सर है ये। ये कहाँ से आते हैं? हरियाणा से हैं। वर्ष 2017 के लिए सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य किसको चुना गया है? देखिए 2016 के लिए किसको चुना गया था? उत्तर प्रदेश को। 2017 के लिए फिल्म अनुकूल राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखेंगे 2018 को अनाउंस किया गया था अप्रैल में, इसका मतलब ये नहीं कि 2018 साल के लिए है, ये है पूरा 2016 से लेकर के 17 वर्ष की परफॉर्मेंस को देख करके, ठीक है। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ये क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। डूरंड ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? डूरंड ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है फुटबॉल से, फुटबॉल संबंधित है। कोई हमको ये कमेंट करके बताएंगे कि आखिरी बार डूरंड ट्रॉफी कब खेली गई थी, और अगर खेली गई थी तो विनर कौन रहे थे? वैसे तो आएगा नहीं विनर, आप ये पता लगाइए कि आखिरी बार कब हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे पनपी थी? ये पनपी थी मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन। इजिप्ट की कैपिटल होती है कैरो। अभी उर्दू को किसने अपनी द्वितीय राजभाषा घोषित किया है, ऐसा करने वाला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, तेलंगाना। इनमें से कौन गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। रेडियोधर्मी डेटिंग या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या नाप सकते हैं? रेडियोधर्मी डेटिंग से जांची जाती है चट्टानों की उम्र, ठीक है, चट्टानों की उम्र, ऑप्शन नंबर ए, एज ऑफ फॉसिल्स। चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 2018 के कहां पर हुआ है? ये हुआ है काठमांडू नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछे अगला कहां पर होगा, फिफ्थ बिम्स्टेक कहां पर होगा, ये होगा श्रीलंका में, श्रीलंका में। बिम्स्टेक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितनी कंट्रीज आती है? इसमें आती है 5 कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज हैं। इसमें बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, और म्यांमार और थाईलैंड। तो ये है बिम्स्टेक कुल मिला करके। बिम्स्टेक समिट अगस्त में हुई थी और उसके बाद सितंबर में पहले वीक में एक बिम्स्टेक एक्सरसाइज रखी गई थी। बिम्स्टेक एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? इंडिया में हुई थी, पुणे में, ऑन द स्टेशन पुणे में हुई थी। इसमें नेपाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2011 के सेंसिस के हिसाब से जनसंख्या सबसे कम पाई गई थी? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर पाई गई थी? महोबा में, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर पाई गई थी 2011 सेंसिस में, पाई गई थी इलाहाबाद में। अब निम्नलिखित में से कुछ यहाँ पर लोकगीत के क्षेत्र हैं और स्थान है जहाँ पर ये लोकगीत होते हैं, तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड का ये सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये भी सही है, चैता अवध और भोजपुर क्षेत्र का है ये भी सही है, लेकिन कजरी रुहेलखंड का नहीं है, कजरी रुहेलखंड का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? आरएनए हार्मोन नहीं है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड भी नहीं है, इन्वर्टेज भी नहीं है, ये क्या है? एंजाइम है। इन्वर्टेज क्या है? एंजाइम है। इंसुलिन है यहाँ पर हार्मोन, और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा रिलीज किया जाता है। दिलीप ट्रॉफी के 57वें एडिशन में किस टीम ने फाइनल मुकाबला जीता है? जीता है इंडिया ब्लू ने। भारत का मुख्य अनाज
फसल कौन सी है? ये है चावल, ऑप्शन नंबर बी चावल। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है लोहे का यानी कि आयरन का प्रचुर स्रोत है? आयरन का प्रचुर स्रोत है आपका चौलाई और केला, ये दोनों। एक घंटे में एक क्यूसेक पानी बहने की मात्रा लीटर में कितनी होगी? एक घंटे में एक क्यूसेक पानी बहने की मात्रा लीटर में होगी 3.6 × 10⁶, ये होगी 6 लीटर। अब उनको इसमें स्लाइनेक्स 2018 के बारे में देखना है। स्लाइनेक्स 2018 क्या भारत और श्रीलंका के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? क्या ये 2 वर्ष में एक बार होती है? तो यहाँ पर हमको बताना है सही कौन सा स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट गिवन है तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है, सेकंड सही है। हर 2 साल में एक बार तो होता है, लेकिन ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है ना कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 2018 में हुआ है। 2018 में कहाँ पर हुआ है? ट्रिकोणमाली रीजन में हुआ है, श्रीलंका में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2017 में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था विशाखापट्टनम में। देखिए वैसे तो इस एक्सरसाइज का आयोजन कोई ऐसा फिक्स नहीं है 2 साल में, लेकिन लगातार हर 2 साल में होती है। अब की बार रिपीट हुई है, 2017 में भी हुई है, 2018 में भी। तो हम एम्बिगुअस मान सकते हैं, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को गलत मान सकते हैं, लेकिन वैसे तो हर 2 साल में होती आ रही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। 2017 में भी क्योंकि हुई थी विशाखापट्टनम में हुई थी, 2018 में कहाँ पर हुई? श्रीलंका के ट्रिकोणमाली रीजन में। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा वैसा बनाया गया स्टेटमेंट वाला, वीडियो के एग्जाम में ऐसा कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बता दें 4 ऑप्शन वाला ही आता है, या तो मैचिंग वाला कभी कभी आ जाता है। थोड़ा सा ये इस तरह क्वेश्चन अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आता है। श्रीलंका के साथ हम लोग एक और एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है मित्र शक्ति। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP, ये करता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। मानव विकास रिपोर्ट इस बार आ चुकी है सितंबर में। मानव विकास रिपोर्ट या फिर मानव विकास इंडेक्स HDI 2018 में इंडिया की रैंक क्या रही है पूछ सकते हैं। इंडिया की रैंक रही है 130। आखिरी कंट्री यानी कि सबसे खराब HDI किसमें पाया गया है? वो पाया गया है नाइजर में। और सबसे अच्छी रैंक यानी कि फर्स्ट रैंक इसको मिली है HDI इंडेक्स में, वो मिली है नॉर्वे को, तो ये आप याद रख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अलग होता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पहली बार वर्ल्ड बैंक ने खुद से जारी किया था। अब की बार ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली थी 115, टॉप पर रहा था सिंगापुर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 133, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 136। ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जो पूछी जाती हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं, उनका एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वीडियो वाले अगर इसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ आपको चलूंगा, या आपको बड़े वीडियो ना देखना पड़े, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हो, आप फोकस करें एप्टीट्यूड रीजनिंग और हिंदी पर भी। रेशम के कीट जिन पर पनपता है वो क्या होते हैं? ज़्यादातर रेशम के कीट किस पर रहते हैं? मलबेरी प्लांट्स पर, यानी कि मलबेरी की पत्तियाँ खाते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? पसीना हमारे शरीर में बहता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए, थर्मोरेगुलेशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस हम लोग अब मनाते हैं सितंबर 5 को, जब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली होती है 85 डेसिबल। जवाहर रोजगार योजना जो काफ़ी पुरानी योजना है, इसका मुख्य बल निम्नांकित पर है। ग्रामीण क्षेत्रों की मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन इसका मुख्य कार्य या फिर उद्देश्य है। संस्कृति महोत्सव स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि का आयोजन कहां पर हुआ था? 2018 की शुरुआत में, यह हुआ था वाराणसी में। इनमें से कौन राष्ट्रीय मॉनिटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति होती है उसके बारे में निर्णय लेता है? ये होते हैं आरबीआई के गवर्नर। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, ये है कब से कब तक? ये रहते हैं अपने पद ग्रहण की तिथि से, यानी कि जब ओथ सेरेमनी होती है उस दिन से। हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान में? जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। धारा 370 किससे संबंधित है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये J&K से संबंधित है। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में यूज होता है? ये होता है इथिलीन ग्लाइकोल। हिम निरोधी का क्या मतलब है? जैसे कार्बोरेटर में बड़े बड़े जो स्वचालित इंजन होते हैं उसमें क्या होता है कि वो जम जाते हैं ठंडी में, उनका लिक्विड जो है जम जाता है, तो
तो उससे क्या होता है कि इंजन ठीक से वर्क नहीं करता। इथिलीन ग्लाइकोल अगर मिला दिया जाए वहाँ पर कूलेंट वगैरह में तो फिर वो नहीं जमता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है। वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये होती है राज्यसभा। राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन कौन बने हैं बताइए कमेंट करके। ये अगस्त में बने हैं। वतन को जानो कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? यह है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के युवाओं को यहाँ पर हमारे कंट्री के रिच हेरिटेज में बताया जाना है वतन को जानो कार्यक्रम। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? यह है पश्चिम बंगाल में। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमको क्या होगा इसका आंसर। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सीनेट के सदस्य या फिर नन ऑफ दीस। महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? ये हुए थे विवर्तनिक क्रिया से। हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि से जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं बाब अल मंदेब स्ट्रेट से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से प्राप्त होती है किससे? ये प्राप्त होती है साउथ वेस्ट मानसून से। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले कहाँ पर हिट करता है ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने का कानून बनाने वाला पहला देश बना है? ये देश बना है आइसलैंड। यहाँ पर जो महिलाओं पुरुषों को समान वेतन नहीं देगा समान काम के लिए उसको मिलेगा दंड। आइसलैंड वो कंट्री है जिसने वर्ल्ड पीस इंडेक्स में अबकी बार टॉप किया था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। द्योतक इसलिए था क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन नंबर ए। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से किस कारण असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से। ये ऑप्शन नंबर बी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? सबसे पहले स्पष्ट रूप से ये अछूत अनटचबिलिटी की भावना आई थी धर्मशास्त्रों के समय से। इनमें से कौन सा एक सार्क कंट्री नहीं है? सार्क कंट्री नहीं है म्यांमार। ये बिम्स्टेक कंट्री है लेकिन सार्क कंट्री नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? ये किया जाता है विवादित जनकता के लिए, यानी कि पेरेंट कौन है ये प्रूव करने के लिए, बायोलॉजिकल पेरेंट कौन है किसी केस में ये प्रूव करने के लिए। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किसने दिए हैं? ये दिए हैं गुप्त वंश के शासकों ने। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आती है? यह आती है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। एपिकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उत्पादन होता है, मतलब जिससे हम उत्पादन करते हैं किसका? शहद का। और हम जब रेशम का उत्पादन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और जब लाख का उत्पादन करते हैं यानी कि लैक का, तो इसको बोलते हैं लैक कल्चर। निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 17 साल बाद रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम बनाने का अवसर मिला है? ये मिला है बिहार राज्य की टीम को। ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है ये किसको समर्पित है? ये सोम को और इस पे पर नामांकित देवता को। ये है सेंसस 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर पाया गया था? ये पाया गया था उत्तर प्रदेश में, महिला और पुरुष साक्षरता दर में अधिकतम अंतर। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ लेख है? वो है भाबरू स्तंभ लेख। ये रुम्मिन देवी का स्तंभ कहाँ पर सिचुएटेड है? ये नेपाल में है। दक्षिण गंगोत्री स्टेशन कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका में है। किस राज्य ने जैन 2018 में करीब उच्च जोखिम गर्भावस्था पोर्टल शुरू किया था? ये किया था हरियाणा ने। हरियाणा इस पोर्टल के माध्यम से चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को और MMR को भी कम करना चाहता था। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पत्रिका है, दूसरी तरफ उसके एडिटर हैं। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया सही है, दादा भाई नेहरू जी, रफ्त गफ्तार सही है, बाल गंगाधर तिलक का केसरी सही है, BR अंडकर का इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये गलत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति के नेता थे? ये थे दीवान मनीराम दत्त।
ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पर स्थित है या किसके समीप स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये है क्या, ये कोरल रीफ है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? ये किसने कहा था? लॉर्ड लिंथिगलो ने। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल यानी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? सोलर सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है? ये निहारिका नहीं है, बाकी प्लैनेट्स हैं, धूमकेतु भी है, क्षुद्र ग्रह भी हैं, लेकिन निहारिका नहीं है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ये किया था एन जी रंगा ने। और महात्मा गांधी को प्रेरित किसने किया था इस सत्याग्रह के लिए? बिहार के किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने। निम्नलिखित में से किस महानगर में लिंगानुपात सबसे कम है? ये है, सॉरी, सबसे अधिकतम किसमें है, सबसे ज़्यादा किसमें है, ये बताना है आपको। ये बताना है चेन्नई में सबसे अधिकतम है लिंगानुपात इन सारे मेट्रो सिटीज़ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग सही सम्मिलित है? सूची वन, सूची टू। सूची वन में क्या है, संविधान के पार्ट्स दे रखे हैं, और इसमें क्या है, इसमें आपको उनके बारे में जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। तो इसमें सही सम्मिलित है संविधान का चौथा ए, पार्ट 4A जो है किससे संबंधित है, संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से, तो सी इसमें सही है। इनमें से किस राज्य ने फाइबर ग्रिड परियोजना शुरू की है? फाइबर ग्रिड योजना किसकी है? ये आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी मई के करीब। फाइबर ग्रिड योजना में क्या है इनका, कि कुल मिलाकर के बहुत ही हाई स्पीड का इंटरनेट बहुत ही कम दरों पर प्रोवाइड करवाने वाली है आंध्र प्रदेश की सरकार अपने वहाँ के लोगों को। संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख एक ही बार हुआ है, और कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आर्टिकल नंबर 352 में। अच्छा, पिछले मॉक टेस्ट में शायद वो क्वेश्चन में था कि 395 आर्टिकल से क्या, वो एक्चुअली में संविधान बनने के पर थे। इस समय आर्टिकल कितने हो चुके हैं, हो चुके हैं 448। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक हम लोग किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को हम लोग सीमांत कृषक बोलते हैं। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए हम लोग उपयोग करते हैं फ्यूज तार को, फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसकी प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी होती है? प्रॉपर्टी एक फ्यूज की होनी चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी शॉर्ट सर्किट के समय वो पिघल जाएगा और खत्म होकर जो है कनेक्शन काट देगा और आपकी आग नहीं लगती है घर में। किस मटेरियल से बनता है ज्यादातर फ्यूज वायर? किससे बनते हैं? टंगस्टन से। मनी बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं, तो डी इसमें सही हो सकता है, क्योंकि हमको तो प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। प्रायर असेंट किसका चाहिए? प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चाहिए। 110 आर्टिकल संबंधित है मनी बिल, ऑरिजिनेट हो सकता है लोकसभा में। कौन डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं, ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे। मनी बिल के बारे में 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टेनलेस स्टील जो होता है किसका मिश्रण होता है? ये लोहा और क्रोमियम का होता है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से एक फिजिकल चेंज क्या हो सकता है? फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज होता है, तो पानी में चीनी का घुलना है एक फिजिकल चेंज, मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज है, दूध से दही बनना केमिकल चेंज है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना ऑफकोर्स एक केमिकल चेंज है।